नमस्ते जी, मेरा नाम शिवकुमार, इंस्पेक्टर मोगलपुरा। एक फर्स्ट तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था अपना एरिया पे, कवेली कमान सुल्तान शाह एरिया पे, अपना मोगलपुरा एरिया पे एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें ये अब्दुल अफसर सन ऑफ अब्दुल रहीम बोल के एक उन लोगों का घर है वहाँ पे, वही घर पे एक घर के सामने एक बच्चा रहता था, उन लोगों का दूर का रिश्तेदार है। वो बच्चा भी रेगुलरली वो घर पे आके खेल के और घरों वालों से भी मिल के रहता रहता। उसी दिन 1/8/2020 के दिन 11:30 to 12:00 वो बच्चा सेम रेगुलरली वैसा आके वहाँ पे वरांडा पे खेल रहे। उसी टाइम पे ये जो अब्दुल अफसर बोल के हैं, इसके पास एक बैरल लॉन्ग बैरल वेपन है, वेपन बोले तो अपना एयर पिस्टल का रहता। उससे उन्हें क्या वाल के ऊपर जो लिजर्ड है वो लिजर्ड को फायर करा, उसके ऊपर फायर करा। वो जो फायर होने के बाद वो पिलेट जो रहता वो वाल को टच करने के बाद रिटर्न आके एक जो वरांडा में जो खेल रहा बच्चा, वो बच्चा को बैक साइड हिट हुआ था, इसलिए उसको थोड़ा ब्लड इंजरी आया था और वुंड भी आया था। तो इसके बाद उन लोकल क्लिनिक पे ट्रीटमेंट लगाने के बाद उनको बंजारे को वीरेंजी हॉस्पिटल को चेंज करा। वहाँ से फिर अपना 7 तारीख को अपना वो बहादुरपुरा में जो है अपना ग्रेस हॉस्पिटल पे रह के आज बच्चा भी डिस्चार्ज हो गया, उसका कंडीशन भी अभी ठीक है। वो इंफॉर्मेशन के ऊपर उन लोगों का पापा से सैयद मोहसिन बोल के हैं, उससे कंप्लेंट लेके एक FIR दर्ज करा हुआ। आज सुबह वही डिस्चार्ज के टाइम पे कोई बाहर से इतना ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि फायरिंग हुआ बोल के एरिया पे आया था। वो इन्फॉर्मेशन पे अपन भी वेरीफाई करे तो आज नहीं, इससे पहले वो जो वरंडा वो घर पे था ना, उसका रिश्तेदारों में, इसलिए उन लोग ट्रीटमेंट के लिए वही करेक्ट है, मगर उसमें इन लोगों का जाके ऐसा फायरिंग से हुआ बोल के कुछ भी नहीं बताया। इन लोगों का भी जस्ट कुछ लगाया, वो चोट लगा हुआ निकाल दो बोले तो वेरीफाई करे तो उन लोगों का बोले तो उनमें इसमें ऐसा FIR फायरिंग हुआ नहीं तो ऐसा अटेम्प्ट हुआ, क्रिमिनल केसेस इंडक्शन तो है तो 100% वो काम करते थे, मगर इन लोग चोट लगा बोले तो उन लोग भी ट्रीटमेंट करा, उसके बारे में भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। अभी तो नहीं वेरीफाई कर रहा नहीं, अपना टीम ऑलरेडी उसके बारे में तो दो टीम चल रहा है, शायद होता 1-2 घंटे में अपना जो है वेरीफाई करता हूँ वो पूरा इन्फॉर्मेशन, अगर अपना उसके बारे में तो अभी तो नहीं मालूम मेरे को, पक्का जरूर अगर उसके पास लाइसेंस है कि नहीं उसके बारे में भी हम लोग वो करेंगे। ले लिया और FIR बंद कर दिया। वजह बोले तो उन लोगों का सेम रिश्तेदारों में है ना, इसलिए उन लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी लगा दिया बोल के उन लोगों को। क्या वही लाइसेंस है कि नहीं उसके बारे में भी हम लोग वो करेंगे। ले लिया और FIR बंद कर दिया। वजह बोले तो उन लोगों का सेम रिश्तेदारों में है ना, इसलिए उन लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी लगा दिया बोल के उन लोगों को। ये केस में अगर बच्चे के जान पे कुछ होता था एक्सीडेंट तो जब कंप्लेंट देते थे क्या बोले? क्या कि वही उन लोगों के रिलेशन से भी हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसा इन्फॉर्मेशन देना बोले तो ऑलरेडी अपना रिश्तेदारों में है जोर बोल के उन लोग भी थोड़ा देने के लिए थोड़ा मना कर रहे हैं। तो FIR हुआ, दर्ज हुआ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलता है।